सीतापुर में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आज एसडीएम बिस्मा की कार्यशैली से नाराज होकर सड़कों पर उतरे और स्थानीय समस्याओं को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। मामला बिस्मा कोतवाली इलाके का है। यहां बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आज एसडीएम के खिलाफ हल्ला बोल दिया। एसडीएम का सीयूजी नंबर न उठने से नाराज कार्यकर्ताओं ने तहसील में हंगामा काटा और एसडीएम साहब होश में आओ के नारे लगाए हैं। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने 6 सूत्री मांगों को लेकर मांग की है कि बिस्मा कस्बे में चल रहे अवैध कत्ल खानों को बंद किया जाए, जिससे प्रतिबंधित पशुओं का खून बहना बंद हो। आज विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने जिला अधिकारी को संबोधित ज्ञापन बिस्मा एसडीएम को दिया, जिसमें मुख्य मांगे हमारी एसडीएम का फोन बंद रहना, जो सीयूजी नंबर है वो हमेशा बंद रहता है, और एसडीएम साहब किसी भी कार्यकर्ता से अच्छे से बर्ताव नहीं करते हैं, और मदरसों की जांच होना चाहिए कि जो अवैध मदरसा है उनको तत्काल प्रभाव से बंद कराना चाहिए, और जो मस्जिदों पे हॉर्न लगे हैं इसकी ध्वनि कम कराना चाहिए, या तो हटवाना चाहिए या ध्वनि कम कराना चाहिए, और जो रोड के साइड में जो मांस मछली की दुकानें हैं, जो रोड साइड जो मंदिरों के पास हमारे हैं, इन ये भी दुकानें हटना चाहिए, और इसी उपलक्ष्य में एसडीएम साहब को आज एक ज्ञापन दिया गया है। बजरंग दल के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने एसडीएम विरोधी नारेबाजी कर सड़कों पर पुलिस को भी आड़े हाथों लिया। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि शासन की मंशा के अनुसार बिस्मा तहसील प्रशासन कार्य नहीं कर रहा। उन्होंने मांग की है कि मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर में तेज आवाज में इबादत की जाती है, इसका अभियान चलाकर इनकी आवाज कम कराई जाए। साथ ही बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि जल्द ही उनकी मांगों को प्रशासन कार्यवाही अमल में लाए। सीतापुर से राजेश शुक्ला की रिपोर्ट।